हाय विवन, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड की परमाणु संरचना को किस प्रकार समझा सकते हैं। तो वर्ष 1911 ईस्वी में परमाणु की संरचना पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, ठीक है। इसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण प्राप्त करके उनको भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से टकराया और देखा कि अल्फा कण टकराने पर विभिन्न दशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर बना देना है, ये आपका नाभ, ये रहा आपका एक एक कह सकते हो एक एटम है, परमाणु है, और ये परमाणु के बीच में ये रहा आपका नाभिक न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा कण यहाँ से मैं बरसाया, अल्फा कण यहाँ से इस पर जो है टूट पड़ा अल्फा कण, ठीक है। इस तरह इसमें अल्फा कण बरसाने पर क्या हुआ, इसमें पोलोनोमियन नामक रेडियो एक्टिव तत्व से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले अल्फा किरणों की एक बारीक किरणपुंज को एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र से टकराया। प्रकीर्णित अल्फा कणों का विक्षेप मापने के लिए उसने एक परफुर जनित्र प्रयुक्त किया, यानी उपयोग किया, जिसमें एक प्रतिदीप्तिशील पर्दा होता है। जब अल्फा कण इस पर्दे पर टकराते हैं तो सूक्ष्मदर्शी में दिखाई पड़ते हैं, जनित जो भिन्न भिन्न स्थितियों में समंजित करके अल्फा कणों के प्रकीर्णन का विक्षेप ज्ञात कर लेते हैं। पूरी व्यवस्था निर्वात में रखी गई है जिससे कि अल्फा कणों की वायु कणों से टक्कर ना हो। इस प्रयोग से रदरफोर्ड द्वारा निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला, अधिकांश अल्फा कण जो है स्वर्ण के आर पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला था जी, तो कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से विभिन्न दिशाओं में बिखर जाते हैं। इससे पता चलता है भाई कि परमाणु का समस्त धनावेश जो है केंद्र पर स्थित है, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकला था, कुछ अल्फा कण ऐसे भी होते हैं जो अपने रास्ते से 90 डिग्री या उससे भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इतनी तीव्र गति के अल्फा कणों को लौटने के लिए एक बहुत ऊंचा प्रतिकर्षण बल चाहिए, ठीक है, ओके। और शायद एक और यहाँ पे समझो इसे भी। तो चौथा निष्कर्षण क्या निकला था अल्फा कण बरसाने पर एटम पर, तो रदरफोर्ड ने देखा कि परमाणु पर समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान उसके एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में निहित रहता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक के त्रिज्या 10^-14 मीटर है तथा नाभिक पूरे परमाणु के आकार का केवल 10/1000 भाग होता है, ठीक है। सो थैंक यू।